बालाघाट जिले के बैहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 दिवसीय बैगा ओलंपिक का शुभारंभ किया। बैगा ओलंपिक के प्रथम दिन उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैगा समाज के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जानकारी ली, साथ ही बैगाओं के सामाजिक रहन सहन को भी बड़े गौर से देखा। इस कार्यक्रम में बैगा आदिवासियों के कर्मगीत ने ऐसा धमाल मचाया कि भाजपा नेता भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट जिले के पिछड़े इलाकों में रहने वाले बैगा आदिवासियों की पुलिस में विशेष तौर पर भर्ती की जाएगी ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। जो नौकरियों के पद है तुम्हारे लिए खोल के रखिए, विशेष अभियान चलाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने बच्चे ऐसे आते हैं धीरे धीरे जितने पद है उनको नौकरी दे दी जाए ताकि वो शासकीय सेवाओं में पहुंच जाए। बालाघाट जिले के लिए हम लोग एक विशेष प्रावधान कर रहे हैं कि इस इलाके में भर्ती के लिए कुछ छूट देके बालाघाट जिले के बच्चों की भर्ती विशेषकर उन इलाकों में जहां ज्यादा विकास के कामों की और सुरक्षा की जरूरत है वहां इस भर्ती को करेंगे ताकि मेरे इन बच्चों को रोजगार मिल जाए, काम धंधा मिल जाए। और मैं एक अपील और आपसे करना चाहता हूँ, स्वरोजगार योजना। Thank you.
बालाघाट से बीएनएन टाइम्स की रिपोर्ट।